हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे, वर्कआउट कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्लॉगर के लिए एक पोस्ट लिख सकते हैं, वो भी 1000 वर्ड्स का। ठीक है, आप कहेंगे तो कि भाई मैं क्या वर्ड गिन गिन के लिखूँ? जी नहीं दोस्तों, वर्ड गिनने के लिए कोई गिनने की जरूरत कोई नहीं है। उसके लिए भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा। ठीक है, अगर आप नए ब्लॉगर हैं, यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूब का वीडियो वहाँ पे इम्बेड करते हैं, उसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपको एडसेंस का अप्रूवल भी लेना है। ठीक है, एडसेंस का अप्रूवल तभी मिलता है जब आप कोई अच्छा आर्टिकल लिखेंगे, ओरिजिनल कंटेंट लिखेंगे अपना। ठीक है, आपने अपने यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें आपका ओरिजिनल कंटेंट है, उसे जाके ब्लॉगर पे पोस्ट कीजिए, इम्बेड कीजिए, और उसके ऊपर में कम से कम 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखिए। ओके, तभी आप, मान लीजिए आपका कंटेंट ओरिजिनल है, अगर वहाँ पे आपने अच्छे कंटेंट लिखे हैं तो एडसेंस आपका साइट देखेगा। देखने के बाद में अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल होगा, यूनिक होगा, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। हो सके कुछ टाइम लगे, मगर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिगनर है, देखिए हर कोई बिगनर होता है, मैं हमेशा से कहता हूँ, पैदा होते कोई सीखता नहीं है। ठीक है, अगर आप बिगनर है तो आस्ते आस्ते आप भी सीख जाएंगे कि ब्लॉगर पे कैसे पोस्ट लिखा जाता है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी पड़ती है। जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे जब आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो आपको क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए, नॉलेजेबल कंटेंट बनाता रहता हूँ और सजेशन भी देता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने URL, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर के वीडियोस हैं दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज बताऊंगा कि ब्लॉगर पे कैसे आप पोस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी वेबसाइट है आपने बनाया है, ठीक है, या फिर आपका YouTube है, YouTube के जो भी वीडियोस है आप बनाना चाहते हैं, आप अगर आपका YouTube वीडियो का चैनल है, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, जैसे मेरा टेक्निकल है, तो मैं इसके ऊपर मैं ब्लॉगर पे कैसे आर्टिकल लिखूंगा, ओके, कम से कम 1000 वर्ड्स के जो वीडियो मैं वहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है, जो वीडियो अपलोड करूंगा उसी के ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा। ठीक है, यूनिक कंटेंट अपना, ओरिजिनल, ठीक है, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं। ठीक है, अपना लिखना सीखिए, स्टार्टिंग कीजिए, आस्ते आस्ते आप खुद ब खुद सीख जाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की जो मैं अपलोड करूँगा, इंपॉर्टेंट, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशनल, आपको वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यही वो वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे आप कम से कम 1000 वर्ड्स के, जैसे मैंने देखिए, मैंने एक यूट्यूब का वीडियो वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा, एम्बेड करूँगा, ठीक है, उसी के ऊपर मैंने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है। देखिए, इसका लिंक मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड, मेरे जो कंटेंट उससे रिलेटेड, यहाँ पे देखिए, ये आप जैसे जैसे लिखते जाइएगा यहाँ पे वर्डिंग शो करते जाएगा। देखिए, मैंने 1806 कैरेक्टर लिखे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पे 1806 है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे और कुछ टाइप करूँगा, देखिए 1813 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहाँ पे आके यहाँ से आपको आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप लिखते जाइएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपका शो करते जाएगा आपका जितना वर्ड है। ठीक है, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेने का, आपको बस आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है, आस्ते आस्ते करना, आपको खुद ब खुद सीख जाएंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे इसका प्रो वर्जन भी है। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर अर्निंग नहीं हो रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रो वर्जन लेने का। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रामरली, देखिए इंस्टेंट चेक योर प्लेगरिज्म, ग्रामरली एंड स्पेलिंग इश्यूज, आप यहाँ पे चेक योर टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएंगे तो हो सकता है आपको प्रो वर्जन पे ले जाए, वहाँ पे आपको प्रीमियम वर्जन यहाँ पे लेने को कहे। ठीक है, तो आपको अभी शुरू में कुछ नहीं करना है, आपको देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं, कीवर्ड डेंसिटी दिखा रहा है 20% है, पोस्ट मैंने हिंदी में लिखा है, वर्डिंग इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट यहाँ पे मेरा कीवर्ड डेंसिटी दिखा रहा है। ठीक है, कि कीवर्ड डेंसिटी कितना है, देखिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए वर्ड्स 345 वर्ड्स, कैरेक्टर 1806, सेंटेंस 5, पैराग्राफ 7, रीडिंग लेवल कॉलेज ग्रेजुएट, रीडिंग लेवल बता रहा है। ठीक है, कि लेवल क्या है इस आर्टिकल का, रीडिंग टाइम, टाइम भी दिखा रहा है, 1 मिनट 15 सेकंड रीडिंग टाइम है, स्पीकिंग टाइम 1 मिनट 55 सेकंड। ओके, सो दो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको जैसे ही ओपन कीजिएगा वो आपको इस पे लेके आएगा। ठीक है दोस्तों, सो आप समझ गए आपको क्या करना है, मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप समझ गए, बस आपको यहाँ पे आकर लिखना है अपना आर्टिकल। ओके, लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको पोस्ट पे जाना है, अपने ब्लॉगर पोस्ट पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हेडिंग लिख के रखा है। ठीक है, हाउ टू चेंज पोस्ट URL इन ब्लॉगर, चेंज पोस्ट URL ब्लॉगर, हाउ टू चेंज कस्टम URL ब्लॉगर, मैंने जो वीडियो बनाया है, ठीक है, वो वीडियो मैंने
ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, जिस वीडियो मैंने लास्ट में एम्बेड करूँगा, ठीक है। मैंने आपको वो आर्टिकल लिख कर इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर लिखते लिखते बताता तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैंने उसे वहाँ पे लिख के रखा, बस वहाँ जाके यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। करने के बाद में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, ओके, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा इसको। करने के बाद में मैं ब्लॉगर पोस्ट पे जाऊँगा, ठीक है। आपको यहाँ से अपना हेडिंग ले लेना पहले, टाइटल ले लेना, ठीक है। टाइटल लेने के बाद में मैंने यहाँ पे एक इस पोस्ट से रिलेटेड एक यहाँ पे इमेज लगाया है, हाँ, कॉपीराइट फ्री इमेज कहाँ से मिलता है वो भी मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। आप कोई भी अपने ब्लॉगर के पोस्ट में दोस्तों अगर आप पोस्ट करते हैं तो प्लीज़ कॉपीराइट फ़ोटो वगैरह कोई भी हो गूगल से लेके यहाँ पे डालिएगा मत, वरना आपको बाद में कॉपीराइट होने की वजह से आपको एक्शंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे इशू आएंगे, ठीक है। सो मैं जैसा कर रहा हूँ आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से ही पोस्ट स्टार्ट कर सकते हैं ये फ़ोटो हटा के, ठीक है। आपको सिर्फ अपना स्टाइल अपनी तरह से अपना दिमाग लगा के लिखना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने जो कॉपी किया था यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ओके, सब आगे यहाँ से डेस्कटॉप डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिएगा अगर ऑन नहीं है तो, ठीक है, मोबाइल में कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये सारे को यहाँ से मीडियम साइज़ कर दूंगा, ओके। देखिए इसे सारे को मैंने मार्क किया, मार्क करने के बाद में यहाँ टीटी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से सब जितने भी टेक्स्ट है इन सब को मैं मीडियम में कर दूंगा, ओके। करने के बाद में अब यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस ऐड करूँगा, ठीक है। इमेजेस कैसे ऐड करूँगा वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने पोस्ट में अपने वीडियो से कंटेंट से रिलेटेड क्या क्या लिखा है, ठीक है। वीडियो में यहाँ पे लास्ट में डालूंगा, ओके, पोस्ट के लास्ट में यहाँ पे एम्बेड करूंगा, ओके। कैसे एम्बेड किया जाता है उसके ऊपर भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको बहुत सारे ब्लॉगर के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो उम्मीद करूँगा आपको हेल्प करेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस है प्रॉब्लम उनका सलूशन आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए हमको अपने पोस्ट यूआरएल चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हाय दोस्तों, क्यों पड़ती है दोस्तों, क्या आपका पोस्ट गूगल में रैंक, देखिए मैंने इसके रिलेटेड बहुत कुछ लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए हम सीखते हैं हाउ टू चेंज यूआरएल ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू चेंज, ठीक। तो हमको क्या करना, सिंपली मैंने जो फोटोज़ कुछ एडिट किए हैं, ठीक है, मैंने इस वीडियो से रिलेटेड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ओके, इस पोस्ट से रिलेटेड मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, ओके। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने फोटो ऐड कर दिया, ओके, इसे मैं लार्ज कर दूंगा, ओके, यहाँ से चलिए इसे मीडियम ही रहने देते, ओके। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से साइज भी कर सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे इस इमेज में शो किया है कि कैसे आप अपना पोस्ट को पोस्ट का जो यूआरएल है उसको पब्लिश करने के बाद चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ठीक है, ट्यूटोरियल लास्ट में वीडियो का है, ठीक है, इस पोस्ट का ट्यूटोरियल में मैंने ऐड कर दिया है ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे और एक इमेज ऐड कर दूंगा जो मैंने एडिट किया है, ओके, यहाँ पे ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे इमेज मैंने यहाँ पे इसे आप अपने हिसाब से साइज कर लीजिएगा, ओके, साइज कर सकते हैं आप, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ओके। तो मैंने दो इमेज यहाँ पे ऐड कर दिए, ओके, चलिए इसको बड़ा ही कर देता हूँ क्योंकि ये छोटा है तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, ओके, और इसे भी यहाँ से लार्ज कर देता हूँ, ओके, इसे भी यहाँ से लार्ज कर दूँ, ओके। तो ये हो गया, ओके दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना जो मेरा YouTube का वीडियो है जो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ओके, ठीक है दोस्तों, लाइक ये वीडियो है तो मैं इसे वहाँ एम्बेड करूँगा, ओके। एम्बेड कैसे किया जाता है इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल है, ओके, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इस वाले वीडियो को यहाँ पे एम्बेड करूँगा, ओके। एम्बेड करने के लिए मैं क्या करना होगा, हो सकता आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ शो ना करे, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए थ्री डॉट शो करेगा, इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आपको हो सकता है ये चीज़ शो ना करे, ये दो चीज़, क्योंकि मोबाइल में कर रहे होंगे तो मोबाइल छोटा होता है तो हो सकता है आप यहाँ पे थ्री डॉट होगा, उस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप डेस्कटॉप साइट ऑन कीजिएगा, मोबाइल को रोटेट कीजिएगा, करने के बाद में हो सकता है कि आपको ये चीज़ शो करे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, देखिए 1 2, ठीक है, ये इमेज है, ये वीडियोज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यूट्यूब पे क्लिक करूँगा, सर्च पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो वीडियो में यहाँ पे लिंक पेस्ट करके, ठीक है,
सर्च पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो वीडियो आ गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, करने के बाद में फिर यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। ओके, देखिए ये वीडियो मेरा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में क्या करूंगा, इसे मैं लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। करने के बाद में यहाँ से थोड़ा इसे साइज करूंगा। ओके सॉरी, यहाँ से थोड़ा मैं इसे इसे बड़ा कर दूंगा। ओके तो दोस्तों देखिए हमारा पोस्ट बनके यहाँ रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक सेट करने, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कस्टम यूआरएल मैंने ऑलरेडी दिया, हाउ टू चेंज पोस्ट यूआरएल ब्लॉगर। ओके, यूआरएल इन ब्लॉगर। ओके सो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया। सो मैं क्या करूँगा, इस वाले को यहाँ से ले लूँगा, चेंज पोस्ट यूआरएल ब्लॉगर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, पेस्ट करने के बाद में यहाँ से ऐसे लाइन दे दूंगा, जितने भी गैप है इसको डिलीट कर दूंगा। करने के बाद में ऐसे लाइन दे दूंगा। ओके, चेंज पोस्ट यूआरएल इन ब्लॉगर। ओके, इसे हम एक बार गूगल में सर्च करके देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ओके, इंटर करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 73 लाख पीपल 0.53 सेकेंड्स में, 0.53 सेकेंड्स में चेंज पोस्ट यूआरएल ब्लॉगर सर्च किया जा रहा है। 73,10,000 पीपल सर्च कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही यूआरएल दे दिया है। ठीक है, चेंज पोस्ट यूआरएल ब्लॉगर। ओके, करने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ से पब्लिश कर देना। ओके, या आप एक काम और कीजिएगा, आपका जो ये सेक्शन है इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में आपको वीडियो के नीचे पेस्ट कर देना। ओके, करने के बाद में इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ से सब हेडिंग बना दूंगा। ओके ठीक है, और मैं इस वाले को, ये वाला ऊपर का जो ऑप्शन है जो कॉपी किया था, यहाँ ला के नीचे या फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, और इसे मैं बना दूंगा हेडिंग। ओके, तो चलिए हमारा पोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना है। मैंने आपको रेंडमली बताया कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं ब्लॉगर में। ठीक है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है या कुछ भी है। ठीक है, सो देखिए हमारा पोस्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ से अपना लोकेशन दे देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर दूंगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जैसे दूंगा ये यहाँ पर कोलकाता आ चुका है। ठीक है, और सर्च डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कॉपी किया था ये ऊपर वाला हेड, ये ऊपर वाला टाइटल जो आप ये कॉपी किया था वो भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, करने के बाद में कस्टम रोबोट टीएक्सटी, इसको मैं ऐसा डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ अभी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, इसको भी डिफ़ॉल्ट रखना है या फिर आप ओल्ड नोडीपी, चलिए इसको ऐसे रहने दें, अभी डिफ़ॉल्ट में रहने दें इसको। ठीक है, करने के बाद में लेबल्स आपका कोई है तो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स है, ब्लॉगर के ऊपर वीडियो, ये जो लेबल है, ये वीडियो, ये जो पोस्ट है वो आपको इस लेबल में ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स में चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कस्टम रोबोटी ऑप्शन सब एक बार फिर से चेक कर ले। ओके, पोस्ट पब्लिश करने से पहले सब एक बार थॉरली आराम से चेक कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके सो हमने यहाँ पे यूआरएल दे दिया है। ओके, उसके बाद हमारा पोस्ट अब रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, पोस्ट को और एक बार ठीक से सेव दे दीजिए यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, इस तरीके आप पोस्ट को सेव दे सकते हैं। ओके, मैंने आपको रैंडमली दिखाया है और बाकी का काम आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, नॉलेजेबल होगा, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले टाइम पे जितने भी वीडियो को नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। ठीक है, पब्लिश पर क्लिक करने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक करना है। ठीक है, सो हमारा पोस्ट यहाँ से पब्लिक हो चुका है, देख लीजिए फ्रेंड्स। ओके, ऐसे ही वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि जितनी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोग का हेल्पफुल कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट, इन्फॉर्मेशनल, जो आपको हेल्प, जो वीडियो से आपको हेल्प मिले वो मैं आप लोग के लिए बनाता रहूँ। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ओके, दिस इज मुनु रेशा का टेक्निकल टैक चेकिंग आउट।